Salut! Oui? Celui-là dit? Hachem? Celui-là, celui-là dit? Celui-là dit? Ah! Salut! बात क्यों भाई मतलब थप्पड़ क्यों मारा अरे सुनीता जी का नाम ना लियो बता रहे हम नहीं तू मैं जो है ना चुड़ैल बन के तेरी गर्दन पीछे पट जाऊंगा क्यों मैं अरे सुनीता जी सिर्फ मेरी है मेरी और जो मेरी है वो मेरी है मेरी चीज कोई मुंह ना मारेगा कुछ और सोच मेरी सहेली बोल सहेली को बोल जो लिखा है वो बोल अशोक सुनीता जी राज बोले और चीना करना तुम पूरी मां बोले सुनीता जी सारे थप्पड़ क्यों मारा थप्पड़ क्यों मारा सारे सुनीता जी का नाम ना लिए नहीं तो मैं चुड़ैल बनकर तेरी गर्दन पे चिपट जाऊंगा क्यों भाई क्या सुनीता जी मेरी सहेली है और जो मेरा है वो मेरा है मेरी चीज कोई मुंह ना मारेगा कुछ और सोच तू देख अपने अगल बगल देख अबे अगल बगल कहाँ ये बैठी है ना मतलब अगल बगल मतलब नीचे देख क्या नीचे यार तो कहीं एलआईसी जी की बात तो नहीं कर बस साले ये नहीं हो पाएगा अरे यार भाई अब देख तू सोच ले तुझे क्या करना है या तो एक तरफ दूसरी तरफ ये चुड़ैल अरे वो बजाना उसका कोर्ट में बजाना बोली पूर्णिमा हाँ हो पाएगा बे भाई कैसी बात कर रहा है यार अब तू देख ले यार एक तरफ खूबसूरत इलायची जी है दूसरी तरफ चुड़ैल है अब तुझे क्या करना तू देख ले कि चुड़ैल को कंधे पे लटका के घूमना है या फिर इलायची जी के चरणों में कंधे पे लटका के घूमना चाहता है या फिर इलायची जी के चरणों में जाके गिरना अरे यार तू समझ ही नहीं रहा भाई देख ले भाई एक तरफ तो खूबसूरत इलायची जी है दूसरी तरफ चुड़ैल है अब तेरे ऊपर है तुझे क्या करना है या तो ये चुड़ैल को कंधे पे लेके घूमता रहे या फिर इलायची जी को मना ले क्या गप्पे मार रहे हो दोनों हो गया तुम दोनों का हाँ हो गया बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी चबो सॉरी अपने से ऊपर छोड़ना बात हो गई क्या गप्पे मार रहे हो दोनों हो गया तुम दोनों का हाँ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी सॉरी जाओ मेरे लिए अदरक वाली चाय बना के ला अदरक वाली चाय लेकर अरे मैं ना बना रहा चाय वाय जिसे पीनी वो जाके बना ले शबू जी चाय नहीं है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा खून पी लूंगी नहीं हुआ नहीं है बाद में ये कर लो शबू जी आपसे ना एक रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज अपना शबू स्ट्रगल करना चाहिए बहुत रिलैक्स बैठी है आप शबू जी क्या कर रही है कौन भी नहीं आप नहीं भी नहीं बस सुनिए प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट थी प्लीज एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए शबू जी क्या कर रही है सॉरी देखिए आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि आप प्लीज थोड़े समय के लिए अपना कान बंद कर सकती हैं दरअसल क्या है कि हमारी बुबू हमसे कुछ अश्लील बात करना चाहती है वो क्या ना कभी कभी करती है प्लीज ऐसी मर्दाना और भद्दी बीवी से अगर बात बुढ़ी माँ एक्शन सर ऑर्डर बुढ़ी बोले एक्शन एक सेकंड प्लीज क्या करिए आप क्या कर प्लीज एक सेकंड आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज अपने कान बंद कर सकती हैं थोड़े समय के लिए वो दरअसल क्या कि हमारी बुबू जो है हमसे कुछ अश्लील बात करना चाहती हैं कभी कभी करती हैं प्लीज ऐसी हमारी बात क्या कर रही हैं आप देखिए
शबो जी प्लीज प्लीज एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए प्लीज, क्या आप थोड़े समय के लिए अपना काम बंद कर सकेंगे? दरअसल क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, प्लीज प्लीज ये देखिए, एक सेकंड शबो जी प्लीज एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए, क्या आप थोड़े समय के लिए अपना काम बंद कर सकती हैं? दरअसल क्या है कि हमारी जो बूबू है ना, वो हमसे कुछ अश्लील बात करना चाहती है, प्लीज वो कभी कभी करती है प्लीज। ऐसी मर्दाना और अश्लील, सॉरी, ऐसी मर्दाना और भद्दी सी बीवी से अगर अश्लील बात करोगे तो उपकाई आ जाएगी। तभी 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 तो एक सेकंड, तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज अपने काम बंद कर सकते हैं, वरना वो क्या है कि आपकी जो उपकाई है ना, हमारे कंधे पे गिर जाएगी और हमारा सारा कंधा गंदा हो जाएगा, प्लीज प्लीज दो मिनट के लिए। पर मैंने तो तुम्हें पकड़ रखा है, मैं अपने कान बंद नहीं कर सकती, बस सॉरी। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको उपकारी आ जाएगी तो हमारा कंधा गंदा हो जाएगा ना, प्लीज सिर्फ दो मिनट के लिए अपने कान बंद कर लीजिए। पर मैंने तो तुम्हें पकड़ रखा है, मैं अपने कान बंद नहीं कर सकती। सो हम आपके कान बंद कर देते हैं ना, ठीक है, पर जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। एक सेकंड ना, हाँ फोन पे पिंटू जी, मैं मान गया। सॉरी लगी तो नहीं ना आपको? सॉरी मैं मान गया तेरे कंधे पे चुड़ैल लटक गई। क्या बात कर रहा है, तू भी देख सकता है? देख ना सकता है यार, अब तू दोस्त है मेरा, मुझसे झूठ थोड़ी बोल रहा है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत ना है, मैंने इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ लिया। क्या, जल्दी बताना भाई, मैं तेरे पैर धो के पीऊंगा प्लीज। अगर तू ना किसी खूबसूरत लड़की से प्यार कर ले, मतलब किसी और लड़की को पटा ले, तो ये चुड़ैल तुझे छोड़ के चली जाएगी। ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, क्या चुड़ैल है तो उसके अंदर दिल नहीं है, उसकी भावनाएं नहीं है, या उसे जलन नहीं होती? भाई ये चुड़ैल जो है ना, ये उसी को चिपटती है जो शरीर से खाली या फिर जिसका दिल खाली होता है। अगर तू किसी खूबसूरत लड़की से प्यार कर लेगा, तेरा दिल भर जाएगा, चुड़ैल चली जाएगी। तू किसी और लड़की से प्यार कर लेगा, तेरा दिल भर जाएगा, दिल में जगह होगी नहीं, चुड़ैल जो है ना जल घुन के चली जाएगी। क्या बात कर रहा है यार, अब दिल किससे लगाऊं मैं, लड़की कहाँ से लाऊं मैं? अरे यार चांदनी चौक में लड़कियों कमी हो रखी है क्या? बात तो सही है तेरी, किसे पूछे? बबीता? ना ना, उसका तो बॉयफ्रेंड है। राजकुमारी? अरे उसकी शादी हो गई। बबली? अब बबली तो मंडी के साथ निकल ली। क्या सुनीता जी, सारे थप्पड़ क्यों मार? सुनीता जी का नाम ना लिया, बता रहा हूँ तुझे, ना तो मैं चुड़ैल बनके तेरी गर्दन पे लिपट जाऊंगा। क्यों बे? क्यों बे? क्यों बे क्या? सुनीता जी मेरी सहेली है, मतलब मेरी है, अब मेरी है तो मेरी है, मेरी चीज कोई और मुंह ना मार सकता, कुछ और सोच ले तू। क्या सोचूं साले? अरे अपनी अगल बगल देख। अगल बगल? मतलब अगल बगल तो ये साले। अरे मतलब अगल बगल नीचे देख। नीचे? एक सेकंड, कहीं तू एलआईसी जी की बात तो नहीं कर रहा ना भाई? ये सब ना हो पाएगा, भग साले। अरे यार तू सोच तो भाई, देख ले भाई, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। देख, एक तरफ खूबसूरत इलायची थी, दूसरी तरफ वो चुड़ैल है, अब तू जो देख। रो भाई, समझने की कोशिश कर। देख, एक तरफ खूबसूरत इलायची थी, दूसरी तरफ वो चुड़ैल है, अब तू देख ले तुझे क्या करना है, मतलब ये चुड़ैल को कंधे पे लेकर घूमना है, या फिर इलायची जी को? नहीं, चुड़ैल को कंधे पे लेकर घूमना है। अच्छा, अरे यार समझने की कोशिश कर भाई, तू देख एक तरफ खूबसूरत इलायची जी, दूसरी तरफ चुड़ैल है, अब तू देख ले तुझे क्या करना है, मतलब इस चुड़ैल को कंधे पे लेकर घूम, या फिर इलायची जी को मना ले। क्या गप्पे मार रहे हो दोनों, हो गया तुम दोनों का? हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद बब्बो जी। शब्बो जी, सॉरी, गलती हो गई। जाओ मेरे लिए अच्छी सी अदरक की चाय बना के ला। हाँ जावे, अदरक की चाय बना के ला।
अरे मैं ना बना रहा चाय वाय, जिसे पीनी हो जाके बना ले। वो चाय नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खून पी लूंगी। इधर आओ, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुझे क्या हो गया? एक मिनट अभी तेरे ऊपर भी क्या ये आधी चढ़ गई है क्या? अरे चुड़ैल ना चढ़ गई मेरे ऊपर, तो ना जवानी चढ़ गई जवानी। इसकी शक्ल देख के लगता है इसको सिर्फ बुखार चढ़ सकता है, इसे जवानी कहाँ से चढ़ गई? शबू जी दिमाग खराब हो गया इसका। बोला ना इधर आओ बात करनी। तुम्हारे मतलब की बात है, ऐसी बात है ना जो पति पत्नी अकेले में करते हैं एक दूसरे से, समझे? आपने इधर आओ नहीं बोला। इधर आओ गुगु, सोच लो, तुम्हारे मतलब की बात है, ऐसी बात है ना जो पति पत्नी अकेले में करते हैं एक दूसरे से, समझे? पूरी हनुमान चालीसा आती है। कौन है? हमारे पास ताबीज है जिसमें से त्रिशूल जैसी किरणें निकलती हैं और वो भूत पिशाच को भस्म कर देती हैं। दूर रही हमसे, और हमारे पास हमारी माँ का आशीर्वाद भी है, और अगर ये भी काम पड़ा। वो भूत पिशाच को भस्म कर देती हैं। हमसे दूर रहिएगा, हम बता रहे हैं, हमारे पे माँ का आशीर्वाद भी है, और अगर ये सब भी कम पड़ा तो हम बहुत तेज भाग सकते हैं, आपका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा हमें। हम बता रहे हैं आपको। कोई है क्या? फोन ऊपर पकड़ना, एक बार फोन निकालने से रहते रोली। हेलो एलआईसी जी, प्रणाम। हेलो जीजा जी, कैसे हैं? हाँ जिंदा हैं, मतलब अच्छे हैं, अच्छे हैं हम, बहुत अच्छे हैं। जीजा जी सिग्नल खराब है या आपकी आवाज कहाँ पर रही है, आप कहाँ हैं? नहीं, वो सिग्नल ही खराब होगा, हमारी आवाज का काप रही है। हम पहुंच गए, ये देखिए ये भूत बाबा के पेड़ के पास ही हम। जीजा जी मैं मिले दो ऑटो सर, हम ये भूत बाबा के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। जीजा जी धीरे बात कीजिए, पेड़ों के भी कान होते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी, ना इस पेड़ के दांत है, ना कान है, ना मुंह है, और अगर कुछ हुआ भी तो हमारे पास हमारी लात है। आपके शब्द के अनुसार हम यहाँ पर आ गए हैं, और बस हम जीत गए हैं शब्द। नहीं, फिलहाल तो ये देखिए, हमने अपनी शर्त पूरी कर दी। कैसी बातें कर रही हैं आप,
इस पेड़ के ना मुंह है ना दांत है ना कान है, और अगर है भी तो हमारे पास हमारी लात है और हमने अपनी शर्त पूरी कर दी है एलआईसी जी। अरे अभी कहाँ, शर्त के हिसाब से आपको भूत बाबा के पेड़ के नीचे यू नो हल्का होना। हाँ तो वो हम कर लेंगे, हल्के हो जाएंगे हम। अरे हम कैसे माने, हम कैसे माने मतलब अब आप क्या चाहते हैं, हम वीडियो कॉल पे आपके सामने हल्के हों, हो जाएंगे ना। वैसे आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। हाँ हम कहाँ हट रहे हैं। ठीक है जब आपका काम हो जाए ना तब कॉल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या चुड़ैल दिखे तो डरिएगा मत, बस इतना बोलिएगा ए चुड़ैल मत फैल, मैं बहादुर बंदा नहीं डालने दूंगा गले में फंदा। ये क्या बोल रही हैं आप, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे, कोई चुड़ैल नहीं है। चलिए चलो मैं कॉल लेता हूँ। पीछे गया क्या, कौन है आप, यहाँ क्या कर रही है। ओके या अभी एक काम दादा, अभी बंद करो थोड़ी देर। हाँ रोलिंग बस हो गया, थोड़ा दूर जाओ अगर बंद नहीं हो रहा तो। रोलिंग एक्शन। सिग्नल ही खराब होगा, आवाज कहाँ कांप रही है हमारी, सिग्नल खराब होगा। हम यही हैं, वही भूत बाबा पेड़ वाले की, सॉरी। रोल रोलिंग एक्शन। कौन है आप, यहाँ क्या कर रही हैं। एक्शन। कौन है आप, यहाँ क्या कर रही हैं। टूरिस्ट हूँ, दिल्ली घूमने आई हूँ, बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। हे भगवान, हे चुड़ैल मत फैल, नहीं पढ़ने दूंगा गले में कुत्ते का फंदा। क्या था, कुछ होता। मैं आके बताती हूँ। तेरा डर थोड़ा बढ़ा है ना। कौन है आप, ये ऊपर क्या कर रही है, क्या कर रही है आप यहाँ पर। टूरिस्ट हूँ, दिल्ली घूमने आई हूँ, बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। हे भगवान, हे चुड़ैल मत फैल, तू है बहादुर, गले में पड़ेगा कुत्ते का फंदा। क्या बोल रहा हूँ, कुछ और था क्या बोला था। मैं आकर बताती हूँ। करेक्ट, थोड़ा
मुंडी इधर कर लो थोड़ा कैट की तरह। अभी चिंडाम करो, चिंडाम करो, देखो रोल, रोलिंग एक्शन। जी इलायची जी ने एक शर्त दी है पंचम को, शर्त लगाई है पंचम के साथ कि पंचम को एक भूत वाला एक पेड़ है जिसके बारे में मान्यता है कि वहाँ पे जाओ तो आपको भूत मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ करना है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ उस पेड़ के पास और किसी तरह से शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उतने में मैं ऊपर देखता हूँ और देखता हूँ कि एक चुड़ैल जो है ऊपर बैठी हुई है पेड़ पर और वो एकदम से ऊपर से आती है और मेरे पीठ पे लग जाती है, एज इन पंचम के पीठ पे। और बेसिकली यही हो रहा है कि इलायची और सुनीता और पिंटू इन लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया है और पंचम का बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, एज इन पंचम को नहीं पता कि उसका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो तो सच में समझ रहा है कि चुड़ैल ही है। और ये उन लोगों का प्लान है ताकि उस चुड़ैल को पीछा छुड़ाने के लिए मैं इलायची जी से प्यार करूं, तभी वो चुड़ैल पीछे जाएगी क्योंकि उसके लिए एक लड़की से प्यार करना ज़रूरी है। तो इस प्लानिंग के हिसाब से उन लोगों ने हमारे ऊपर ये प्लान किया, प्रैंक किया है पंचम के ऊपर। तो बस ये हो रहा है सीन। हाँ पंचम तो बहुत डरा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर एक चुड़ैल आ गई है, तो ही इज़ वेरी स्कैर्ड एंड ही इज़ इंटिमिडेटेड और किसी तरह से वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है और पिंटू के साथ सलाह ले रहा है कि हाउ डू आई गो अबाउट इट, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ हर। तो इस बीच वो सलाह देता है कि किसी लड़की से प्यार करना पड़ेगा तो ये दूर हो जाएगी। और बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया उनका प्लान है कि इलायची जी के करीब दोबारा लाएँ क्योंकि पंचम की याददाश्त आ चुकी है इसलिए। सो कुछ पता नहीं, वो सीन अभी तक आया नहीं। थैंक यू।